फाइनली इस बात की ब्रेकिंग न्यूज और सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि फाइनली वीजा इशू जारी कर दिए गए, पाकिस्तान के प्लेयर्स को जारी कर दिए गए, ऑफिशियल्स को, तमाम को जारी कर दिए गए। अब नया प्लान सामने आ चुका है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, ट्रेवल प्लान, वो आपको बताने वाले हैं। और इसके अलावा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है, वर्ल्ड कप से पहले क्या होने वाला है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, वो भी आपको बताएंगे। और हम अपनी इस रिपोर्ट का आगाज करते हैं, सबसे पहले आपको बताएं तो फाइनली आज जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लेटर लिखा आईसीसी को, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी और को लेटर नहीं लिखा, बीसीसीआई को नहीं लिखा, उनकी कोई सिक्योरिटी एजेंसी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई लेटर नहीं लिखा, सीधा और साफ और धमकी दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने लेटर के जरिए, बताया आईसीसी को दरखास्त की और बताया कि जो रवैया इस वक्त बीसीसीआई दिखा रहा है, अगर उनका इसी तरह से रवैया रहा तो हम भी वर्ल्ड कप का बायकॉट कर देंगे। फिर आप देखते हैं कि किस तरह से आप पाकिस्तान के बिना वर्ल्ड कप कराते हैं, फिर आप किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ, यानी पाकिस्तान के बिना वर्ल्ड कप कराते हैं। तो इस तरह की धमकी जो है वो जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से लेटर के जरिए गई तो फौरन ही आईसीसी का रिप्लाई आ गया है। और वो क्या रिप्लाई आया, फाइनली 40 से 45 मिनट के बाद आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ट्रेवल प्लान है वो भी जारी कर दिया। इसके अलावा वीजा जारी कर दिए गए तमाम प्लेयर्स को, इस वक्त जो है वो वीजा जारी कर दिए गए। इस वक्त की बड़ी रिपोर्ट आपको बता दें तो पाकिस्तान के प्लेयर्स कल जाएंगे, यानी मंगल की शाम को पाकिस्तान की टीम उड़ान भरेगी इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए, ये इस वक्त की बड़ी रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। और इसके अलावा अगली अपडेट की तरफ चले और आपको बताऊं तो फाइनली वर्ल्ड कप से पहले एक और बड़ी खुशखबरी आ रही है, क्योंकि 4 महीने से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ, कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर बात नहीं हुई, पाकिस्तान के प्लेयर्स को 4 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बताए थे तो इंजमामुल्ला को जक्का अशरफ साहब ने अपने ऊपर सारा मामला ले लिया है और अब उन्होंने कहा कि हम खुद ही इसको हल करेंगे। और वर्ल्ड कप से पहले जो 4 महीनों की तनख्वाह तमाम क्रिकेट प्लेयर्स को पाकिस्तान के नहीं मिली है, तो उसके बाद तमाम प्लेयर्स को वर्ल्ड कप से पहले 4 महीने की तनख्वाह भी दी जाएगी और नया जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो भी जारी कर दिया जाएगा। तो ये वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए एक खुशखबरी ये है कि उनके जो क्रिकेटर्स हैं उनको वीजा इशू जारी कर दिए गए, वीजा जारी कर दिए गए इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। और इसके अलावा जो बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए कि इंजमामुल हक ने बताया और जका अशरफ ने बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है अब 4 महीने की तनख्वाह जो पाकिस्तान के प्लेयर्स को नहीं दी गई थी और अब जो है वो रिवील की जाएगी और 4 महीने की तनख्वाह एक साथ पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स को दी जाएगी।